आप जिस कलीसिया को फॉलो करते हैं कि लौदीकिया कलीसिया का हमारा जो ये फाउंडर है वो दूत है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, आप जिस कलीसिया के हैं उस कलीसिया का फाउंडर यदि दूत है तो सोचिए प्रभु यीशु मसीह उस दूत के बारे में क्या कह रहा है कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म है, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर। जब मंदिर में गया तो वहां क्या देखा, सब बिजनेसमैन बैठे हुए हैं और उसने रस्सी का कोड़ा बनाकर उनको क्या करा, उनको मारा और उसको निकाल दिया और क्या कहा, शब्द का प्रयोग करा कि तुमने मेरे पिता के घर को डाकुओं की खो बना दिया है। आज ये कलीसियाएं डाकुओं की खो बनी हुई हैं, क्यों? क्योंकि बिजनेस हो रहा है। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बताए से आशीष दे, आमीन। हम बात कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के बारे में। प्रकाशित वाक्य की इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। प्रकाशित वाक्य में 7 खंड हैं। हम दूसरे खंड के विषय में बातचीत कर रहे हैं, 7 कलीसियाओं के नाम पत्र। आज हम बात करेंगे लौदीकिया की कलीसिया के बारे में। जी हाँ, कि परमेश्वर का वचन जो है लौदीकिया की कलीसिया के बारे में हम तक क्या संदेश पहुंचाना चाहता है, अगर आप इसके बारे में पढ़ना चाहते हैं तो प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसका 14 से 22 पद तक आप पढ़ सकते हैं। पिछले संदेश में हमने फिलदेल्फिया की कलीसिया के बारे में सीखा था और आज जो है हम सीखने जा रहे हैं लौदीकिया की कलीसिया के बारे में। पहले हम इसका थोड़ा सा परिचय ले लेते हैं कि इसका परिचय क्या है। लौदीकिया की कलीसिया का जो स्थापित है या लौदीकिया जो शहर है पश्चिम एशिया माइनर का एक महत्वपूर्ण शहर है। ये मेंडर की सहायक नदी लाइकस की घाटी के किनारे स्थित था। 8,000 फीट की ऊंचाई तक ऊंचे पहाड़ों के बीच में जो था ये स्थित था। संभवतः जो है एटियोकस जो दूसरा है 261 से लेकर 246 ईसा पूर्व के द्वारा जो था ये शहर स्थापित किया गया था, जिसने इसका नाम जो था इसकी जो बहन और पत्नी लौडिस के नाम पर जो था इसने इसका नाम वो रखा था। ये जो शहर बसाया गया था ये ज्यादातर लोग बेबीलोनिया से जो सीरियाई और यहूदी लोग जो थे वो आए थे और उनसे जो था ये शहर आबाद जो था वो किया गया था। इस शहर की जो खासियत थी, जो सबसे ज्यादा खास बात थी, इसमें काले ऊन का जो चमकदार काला ऊन होता था उसका व्यापार जो था वो बहुत होता था और उसके व्यापार का ये केंद्र बिंदु था और काले कपड़ों का भी व्यापार जो था इसमें बहुत ज्यादा किया जाता था। और इसमें एक चीज और थी, इसका आपने देखा होगा ना बहुत से शहरों का, जैसे मैं अपने भारतवर्ष की बात कर लूं, भारतवर्ष में जो बरेली शहर है, बरेली शहर में का जो सुरमा जो है, मगर आप अगर परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे और इसकी हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो इसका जो सुरमा था पूरे विश्व के अंदर बहुत मायने रखता था और बहुत कीमती भी था और इस्तेमाल किया जाता था। ये एक मेडिसिन जो था उसके अंदर होता था जो आंखों के लिए बहुत लाभदायक होता था और बहुत दूर दूर तक जो था सुरमा जो था वो बनाया जाता था, वो पहुंचा जाता था। दूसरा है लौदीकिया की कलीसिया का जो नाम का अर्थ है, इसका नाम का अर्थ है न्याय या लोगों का न्याय, इसके नाम का जो अर्थ है। और तीसरा जो इसका पॉइंट है कि लौदीकिया की कलीसिया का जो समय काल रहा, जो युग रहा है वो 1844 से लेकर और जब तक यीशु मसीह नहीं आ जाता तब तक उसका जो है समय काल जो है वो रहा है। इसमें लौदीकिया कलीसिया का जो दूत का नाम जो है, अब यहां पर लिखा ना लौदीकिया कलीसिया के दूत को लेकर, तो किस दूत की बात कर रहा है, किस समय के दूत की बात कर रहा है, ये उसका नाम जो है डिटेल में नहीं है, सिर्फ एक इफिसस की कलीसिया को छोड़ के। और किसी का नाम जो है वैसे मेंशन जो बाइबल के अंदर और हिस्ट्री में जो है वो नहीं दिया गया है, मगर हाँ मैं थोड़ा सा ये कोशिश करता हूं कि उस समय किन किन कौन कौन सी कलीसियाएं स्थापित हुई थी और किस समय स्थापित हुई थी और उनके जो फाउंडर थे उनके क्या नाम थे वो आपको बताने की कोशिश करता हूं और वो मैं आपको बताता हूं। एसडीए चर्च यानी सेवन डे एडवेंटिस्ट चर्च 1831 में विलियम मिलर के द्वारा, बहुत से लोग कंफ्यूजन होते हैं कि किसने स्थापित किया है, किसने करा है, विलियम मिलर के द्वारा। परंतु विलियम मिलर कहता है कि प्रभु यीशु मसीह आ रहा है
और प्रभु यीशु मसीह आ रहा है और उसने सबको बता दिया कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो 1800 में आ रहा है, ये है वो है, बहुत सी चीजें, और बहुतों ने अपना सब कुछ बेच दिया, सब कुछ है। और जब प्रभु यीशु मसीह नहीं आया तो विलियम मिलर जो था वो वहां पर झूठा साबित हुआ और वो गलत हो गया और वहां पर उसका जो काम था वो ठप हो गया, स्टॉप हो गया। उसके बाद जो है सेवन डे एडवेंटिस्ट चर्च की जो फाउंडर रही हैं और जिन्होंने सेवन डे एडवेंटिस्ट चर्च को बढ़ाया है 1844 में, और उन्होंने विलियम मिलर के उस दर्शन का भी जो है उसको भी एक्सप्लेन करा है, वो रही हैं मिसिस एलन जी वाइट जो है, उन्होंने फिर इसको बढ़ाया है और सेवन डे एडवेंटिस्ट चर्च 1844 में जो है पूर्ण रूप से स्थापित हुआ है। फिर आता है यहोवा के गवाह। यहोवा के गवाह जो संस्था बनी है वो 1872 में बनी है और चार्ल्स रसल जो थे इसके संस्थापक रहे हैं। फिर है सालवेशन आर्मी जो 1865 या 1878 में जो है बनी है और इसके जो संस्थापक रहे हैं विलियम बूथ रहे हैं। और आपने देखा आज जो है, आज तो किसी भी चर्च का कोई वो नहीं, जने कितनी कलीसिया छोटी बड़ी और जने कितनी स्थापित हो चुकी हैं, छोटी बड़ी बहुत सी कलीसियाएं जो हैं स्थापित हो चुकी, बहुत से फाउंडर हैं जो बने हुए हैं, आज तो कह नहीं सकते कि कितनी भी कलीसियाएं हैं। खैर एनीवे, हम बात करेंगे उस दूत की के समक्ष मसीह का परिचय। अब यहां पर मसीह का परिचय जो है वो मैं प्रकाशित वाक्य 3:14 पढ़ना चाहूंगा। लौदिकिया की कलीसिया के दूत को ये लिख, जो आमीन और विश्वास योग और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है, वो ये कहता है कि, अब यहां पर क्या है, यहां पर चार पॉइंट है प्रभु यीशु मसीह का जो विवरण दिया गया है, प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो बताया गया है। एक बताया गया जो आमीन है, जो विश्वास के योग है, जो सच्चा गवाह है और जो परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है। देखिये आमीन का मतलब क्या होता है, अब मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि आमीन जो है, आमीन का मतलब होता है कि ऐसा ही हो या निश्चित रूप से ऐसा हो। जो आमीन का अर्थ है, जब हम प्रार्थना करते हैं, हम अपने निवेदन को, अपनी समस्याओं को, अपनी प्रॉब्लम्स को यीशु मसीह के आगे रखते हैं और कहते हैं प्रभु हमारी प्रार्थना को सुन, हमारी समस्याओं को हल कर और हमें इन कलेशों से निकाल, तो हम कहते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से आमीन। यानी यीशु मसीह नासरी के नाम से ऐसे ही हो, हमारी समस्याएं हल हो जाए, हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाए और हमें उसका उत्तर मिले। अब यहां पर यीशु मसीह का जो दूसरा जो बात कही गई है वो है विश्वास योग, और यीशु मसीह जो है वो सही माने में विश्वास योग है। और खास तौर से किस बात में वो विश्वास योग है, जब आप पहला योना की पत्री 1 उसका 9 पढ़ेंगे, यहां लिखा है यदि हम अपने पापों को मान ले तो वे हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग और धर्मी है। देखिए प्रभु यीशु मसीह वैसे भी विश्वास योग है, आप जब उसके ऊपर विश्वास करते हैं तो वो आपकी प्रार्थना को, आपके निवेदन को वो बड़े धीरज के साथ सुनता है। परंतु जब एक पापी इंसान और अपने पाप से क्षमा चाहता है और प्रभु से कहता है हाँ प्रभु मुझसे गलती हुई है, मैंने बहुत सी बुराइयां करी, बहुत से पाप करे, तो मुझे क्षमा कर, तो प्रभु जो है पापों को क्षमा करने में पूर्ण रूप से विश्वास योग्य और धर्मी है, वह हमारे पापों को जो है क्षमा करता है। फिर है सच्चा गवाह, प्रभु यीशु मसीह जो है वो सच्चा गवाह है। इसके बारे में जब आप पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों और 1 उसका 18 यहां लिखा परमेश्वर सच्चा गवाह है कि हमारे उस वचन में से जो तुमसे कहा हाँ और नहीं दोनों नहीं पाए जाते हैं। देखिए परमेश्वर जो है सच्चा गवाह है, यदि आप परमेश्वर से कोई चीज मांगते हैं, कोई बात करते हैं, तो वो आपका हाँ में उत्तर देता है, पर गलत बात में वो हाँ नहीं करेगा, सही बात में वो नहीं करेगा। तो मगर यहाँ पर जब कुलुसियों 1:15 पढ़ेंगे तो यहाँ परमेश्वर की जो बात कही है, पौलुस जो बात कर रहा है वो प्रभु यीशु मसीह जो है आदर्श परमेश्वर का प्रतिरूप है, यानी वो प्रभु यीशु मसीह जो है वही परमेश्वर है, और वो कहता है कि उसकी जो गवाही है उसकी गवाही में हाँ और ना वाली कोई बात नहीं पाई जाती है जो परमेश्वर का वचन बताता है। हमारे जीवन के मुख्य रूप से 3 गवाह हैं, आप ध्यान दीजिएगा हमारे रूप से, आप जब इसको पढ़ लीजिएगा 1 योहन्ना की पत्री 5:6-12 तक, मैं पूरा पद नहीं पढ़ूंगा परंतु यहां पर डिटेल जो है वो समझाना चाहूंगा। यीशु मसीह सच्चा गवाह है, वह पानी और लहू से आया, यहां गवाही देने वाले 3 है, कौन है, आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा, पानी पापों से मन फिराकर बत्तीसवां जो है वो जब हम लेते हैं तो यीशु मसीह के साथ गाड़े जाते हैं और यीशु मसीह के साथ
जी उठते हैं। लहू यानी यीशु का लहू जो है वो बलिदान को दर्शाया जाता है, और परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु का लहू हमें सब पापों से क्या करता है, शुद्ध करता है। अब यहां पर जो है ये तीन गवाह हमारे जीवन के बहुत महत्वपूर्ण है, परमेश्वर का आत्मा यानी परमेश्वर पवित्र आत्मा और पानी जिससे हमने बपतिस्मा लिया कि हम गाड़े गए वो गवाही देगा, और यीशु मसीह का लहू जो हमें हमारे सब पापों से जिससे लहू के द्वारा हम शुद्ध और पवित्र किए गए हैं वो शुद्ध किए गए वो हमारी गवाही। हमें प्रभु यीशु मसीह को किसी मनुष्य के गवाही देने की जरूरत नहीं कि आपके लिए कोई दूसरा गवाही देगा, उसके पास गवाही देने वाले रखे हैं आपके जीवन की, मेरे जीवन की, सबके जीवन की। तो ध्यान रखिएगा, फिर है यहां पर मसीह लौदीकिया के कलीसिया के दूत के काम को जानता है। अब यहां पर मैं पढ़ूंगा प्रकाशित वाक्य 3:15-17, मैं तेरे काम को जानता हूं कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म है, भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है और ना गर्म है, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूं। तू कहता है कि मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और ये नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। यहां पर मेरे प्यारे भाइयों बहनों एक बात मैं जरूर बताना चाहूंगा, बड़ा ध्यान से सुनिएगा इस बात को जो परमेश्वर का वचन जो है वो इस बात को कहता है। अब वो बात ध्यान में क्या है, लौदीकियाई कलीसिया के जो दूत है उसके बारे में बहुत से लोग कहते हैं कि साहब आप जिस कलीसिया को फॉलो करते हैं कि लौदीकियाई कलीसिया का हमारा जो ये फाउंडर है वो दूत है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, सब जानते हैं, सब अपनी अपनी कलीसिया के जो लौदीकियाई कलीसिया का दूत का जो संबंध आता है वो कहते हैं हमारा ये फाउंडर जो है ये हमारे हैं और ये हमारे बिशप हैं, ये हमारे लोग हैं, ये जो है कलीसिया के दूत है। अगर लौदीकियाई कलीसिया का दूत आप जिस कलीसिया के हैं उस कलीसिया का फाउंडर यदि दूत है तो सोचिए प्रभु यीशु मसीह उस दूत के बारे में क्या कह रहा है कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म है, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर। मुंह से उगलने का मतलब तुझे अपने मन से, अपने चित्त से, अपने दिल दिमाग से निकाल देने पर हूं। ये लौदीकियाई कलीसिया के दूत के बारे में बात हो रही है। बहुत से लोग बड़ा गर्व करते हैं, बहुत बड़ा मैसेज करते हैं तगड़े तरीके से, लौदीकियाई कलीसिया का दूत हमारा ये फाउंडर है, बहुत अच्छी बात है दीजिए, मगर ये भी समझ लीजिए कि प्रभु कहे क्या रहा है उसके बारे में अगर वो फाउंडर है। क्यों? क्योंकि देखिए सबसे पहली बात क्या है, तू ना ठंडा है ना गर्म होने का मतलब कि तू ना तो अविश्वासी है और ना विश्वासी है। अब बीच की स्थिति है, ध्यान रखिएगा, ना तो अविश्वासी है और ना विश्वासी है, तू बीच की है यानी अल्पविश्वासी। ये सबसे बड़ी भयंकर बात होती है। आज जो है इंसान जो है अगर कोई अविश्वासी है तो प्रभु यीशु मसीह कहता है या अविश्वासी है अगर इसको समझाया जाएगा, इसको बताया जाएगा तो ये प्रभु में आ सकता है, और जो विश्वासी है वो तो विश्वासी है ही है, जो विश्वासी है वो तो विश्वासी है ही, परंतु अल्पविश्वासी जो है ये बड़ी खतरनाक स्थिति है। ये जो है ये ना विश्वासियों में गिना जाता है और ना अविश्वासी में गिना जाता है। जब आप परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे मती 14 अध्याय पढ़ेंगे और खास तौर से उसका 14:31 पढ़ेंगे, वहां पर पतरस की बात हो रही है। पतरस की बात क्या है, उसने प्रभु यीशु मसीह को पानी पे चलते हुए देखा और प्रभु यीशु मसीह पानी पे चलता हुआ आ रहा है। अब उसने देखा, पहले तो वो उसे देख के डर गए, मगर जब उन्होंने प्रभु ने उन्हें समझाया तो उन्होंने कहा, प्रभु, पतरस कहता प्रभु यदि तू है तो मैं पानी पे चल के आ सकता हूं, उसे मालूम है अगर प्रभु कहेगा कि आजा पानी पे चल के तो वो आ जाएगा। पतरस भी उतरता है नाव में से और पानी पे चल 2-4 कदम बढ़ाकर आगे बढ़ता है हवा का रुख देखकर, और वो वैसे डर जाता है और डर कर वो डूबने लगता है, और जब डूबने लगता है तो प्रभु यीशु मसीह को पुकारता है, हे प्रभु मुझे बचाइए, और जब प्रभु उसका हाथ पकड़कर बचाता है और उसको निकालता है तो वहां पर प्रभु एक शब्द कहता है, एक बात कहता है, हे अल्पविश्वासी तूने क्यों संदेह किया। तो अल्पविश्वासी वाली जो स्थिति होती है वो बहुत भयंकर होती है। यहां पर ये जो दूत है लौदीकियाई कलीसिया का दूत, आपके कलीसिया का अगर वो दूत है तो ध्यान कीजिए वो अल्पविश्वासी में आता है, ना तो वो विश्वासी है और ना वो क्या है, अविश्वासी है, वो अल्पविश्वासी है। और ऐसे अल्पविश्वासी के साथ परमेश्वर जो है, प्रभु यीशु मसीह जो है, वो नाता नहीं रखना चाहता, वो संबंध नहीं रखना चाहता। आप अल्पविश्वासी बने हुए हैं यानी प्रभु पे आप संदेह कर रहे हैं, प्रभु पे संदेह करने के बाद आपका फाउंडर कितना भी बड़ा प्रचारक क्यों ना हो, कितना भी इंटरनेशनल क्यों ना हो, कितना भी पूरी दुनिया में क्यों ना छाया हो, परंतु है तो वो अल्पविश्वासी।
क्योंकि कहीं ना कहीं तो ये चीज दिखाई दे रही है। तो यहां पर जो है परमेश्वर का जो वचन जो है वो इस बात को बताता है। और दूसरी बात वो उससे उसके बारे में क्या कहता है, जरा ध्यान दीजिएगा। दूसरी बात वो क्या कहता है उनके बारे में, 17वां पद जो है, मैं फिर से 17वां पद पढ़ना चाहूंगा, प्रकाशित वाक्य 3:17। तू कहता है मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और ये नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। अब यहां परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि तू धनी हो गया, धनवान हो गया है। जब आप याकूब 5 अध्याय उसका 1-3 तक पढ़ेंगे कि वो कहता है तुमने अंतिम समय में धन बटोरा है, अंतिम समय में यानी धन के पीछे पड़े हैं, आपने कलीसिया बनाई है, एक कलीसिया की स्थापना करी है, किस लिए, धन कमाने के लिए आपने बिजनेस बना लिया है। तभी तो प्रभु यीशु मसीह क्यों खिसे आया, जब वो प्रभु यीशु मसीह जो यरूशलम में प्रवेश करता है, जब वो मनुष्य रूप में इस पृथ्वी पर था, यरूशलम में गधी के बच्चे के ऊपर बैठकर प्रवेश करता, तो वो सीधे कहां गया, वो यरूशलम मंदिर में गया। जब मंदिर में गया तो वहां क्या देखा, सब बिजनेसमैन बैठे हुए हैं, और उसने रस्सी का कोड़ा बनाकर उनको क्या करा, उनको मारा और उसको निकाल दिया, और क्या कहा, शब्द का प्रयोग करा कि तुमने मेरे पिता के घर को डाकुओं की खो बना दिया है। आज ये कलीसियाएं डाकुओं की खो बनी हुई हैं, क्यों, क्योंकि बिजनेस हो रहा है, बिजनेस, हर एक इंसान जो है वो कमा रहा है, कमाई में लगा हुआ है, इधर से आजकल तो बाहर से विदेश से पैसा जो है आना बहुत कम हो गया है, पहले बहुत आता था, अब बहुत कम हो गया है, नहीं तो पहले बहुत ऐसे आता था। और आज भी जो है लोग सिर्फ कलीसिया बना रहे हैं सिर्फ कमाई के लिए कि पैसा आ जाए, ये देना है, वो देना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, मगर परमेश्वर की आत्मिकता से कोई उसका संबंध नहीं है। और ये आज के समय में हो रहा है, जो लोकदियाई कल, हम लोग कौन है, हम लोग किसी चर्च के मेंबर नहीं है, हम लोग लोकदियाई कलीसिया के मेंबर हैं, हम लोग लोकदियाई कलीसिया काल के युग के समय के लोग हैं। और लोकदियाई कलीसिया काल के युग के समय के लोग क्या कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन को सुना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मगर बिजनेस कर रहे हैं। कलीसिया जो है आज एक बिजनेस का स्थान बन चुकी है, वो ना तो प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन में है और ना वो प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया कहलाई जाती है, आज बिजनेस की कलीसिया कहलाई जाती है, बिजनेस जो वो हो रहा है। और यहां लिखा हुआ है, इसलिए परमेश्वर कहता है कि तू अभागा, अभागा का मतलब होता है मनहूस, नीच, अति दुखदायी, घृणा के योग्य है तू, और तुझ का मतलब क्या होता है, दुखी है, बिल्कुल बेकार का आदमी, हटाओ इसे मेरे आंखों के सामने, ऐसा व्यक्ति जो है। कंगाल यानी बहुत गरीब और दरिद्र और घटिया है, बिल्कुल गरीब है, तेरे पास है ही क्या, क्योंकि परमेश्वर लिखा ना कि वो प्रभु यीशु मसीह कहता है कि स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, आत्मिक चीजें तो है नहीं। और सही बात है, आज जितने भी फाउंडर हैं या जो भी हैं कलीसिया के लोग, लोकदाई कलीसिया के काल के लोगों के समय को देख लीजिए, आत्मिकता में बने रहने की कोशिश करते मगर आत्मिकता है नहीं, क्योंकि आत्मा ही नहीं है। आत्मा जब होती है तब आत्मिकता होती है, और आत्मा है नहीं। फिर है अंधा, यानी अंधे हैं, दिखाई नहीं दे रहा है, परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है वो चीज नहीं दे, मगर अपनी तरीके से वर्शिप करना, अपनी तरीके से संदेश बताना, अपनी तरीके से नियमों को निर्धारित करना, अपने जो परमेश्वर का वचन जो कह रहा है उसको बिल्कुल अंधे बने हुए हैं, परमेश्वर का वचन दिखाई नहीं दे रहा है। और फिर है नंगा, नंगा होने का मतलब क्या है कि बिल्कुल नंगे हैं, नंगे होने का आपने देखा होगा, नंगा होने का मतलब क्या है, हम लोग कहते हैं ना, बहुत से लोग कपड़े पहने रहते हैं, वो कहते हैं अरे यार क्यों इसके मुंह लग रहा है, ये बहुत नंगा आदमी है यार, नंगा व्यक्ति है, इसके मुंह मत लगा कर, क्यों कहते हैं नंगा आदमी है, क्यों कहते हैं नंगा, वो तो कपड़े पहने हुए है, उसकी आत्मा नंगी, उसकी सोच नंगी है, उसके विचार नंगे हैं। आज लोकदियाई कलीसिया के दूत को इस बात का कहा जा रहा है कि तू तो नंगा है, तेरी सोच नंगी है, तेरे विचार नंगे हैं, तू नंगा है। परमेश्वर का वचन इस बात को कह रहा है। आदम और हवा, जब आप उत्पत्ति 2 अध्याय उसका 25 पद पढ़ेंगे तो वहां लिखा है आदम और हवा दोनों नंगे थे परंतु लज्जाते नहीं थे, लज्जाते का मतलब शर्माते नहीं थे, उनके अंदर शर्म हया नहीं थी। परंतु आज जो है वो कब तक, जब तक पाप उनके जीवन में नहीं आया है, और जब पाप उनके जीवन में आया तो उनको वही अपना नंगापन, जो एक दूसरे के सामने खुलेआम घूमते थे, परमेश्वर के सामने भी खुलेआम बिल्कुल नंगे चले जाते थे, प्रभु आ गया मेरा, सिजदा करने लगते थे, आदम हवा एक दूसरे को देख रहे हैं, कोई शर्म हया नहीं थी। परंतु जब पाप आया तो वो उनका नंगापन जो है वो शर्म का कारण बन गया। आज ये नंगता जो है ये आत्मिक नंगे हैं, आत्मिकता के वस्त्र नहीं है, आत्मा को ओढ़े हुए नहीं है, इसलिए ये जो है प्रभु यहां पर कहता है ये नंगे हैं लोकदियाई कलीसिया के लोग। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये लोकदियाई कलीसिया काल का ये जो पहला भाग था जो मैंने आपको बताया,
अब दूसरे भाग की हम तैयारी करेंगे, मगर याद रखिए लोकदेय कलीसिया काल के दूत के समान, लोगों के समान नहीं, प्रभु की दुल्हन के समान हमें अपने आप को शुद्ध और पवित्र बनना है और प्रभु के समक्ष खड़े होना। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।